अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते बेलियो मित्रों ते सेलियो, कैसे हो? वैसे मैं भी यार हर दूसरे दिन नया कंटेंट ऐसे पुड़क पुड़क के लेके आ रहा हूँ जैसे यूट्यूब पे सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूँ ही मैं। नहीं मतलब ये तो वो हो गया ना, वो मतलब पागलों वाली बात हो गई ना। खैर चलो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाजमी कर देना। चलो तैयार हो जाओ फिर, अब मैं आ रहा हूँ आपका सर खाने। नहीं यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो कि सामने बंदा आता है, मैं जैसे ही उतर के मारने लगता हूँ भाई सामने से टीममेट मेरा किल ले जाते हैं। यार ये क्यों होता है मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ यही होता है। और मेरे सामने फिर आते सिर्फ बोट ही है मुझे, और वो भी नहीं मार पाता मैं। भाई पता नहीं क्या क्या होता रहता है मेरे साथ, अजीब अजीब होता है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जिन एनिमीज को नॉक किया उनके और टीममेट किधर है ताकि हम उनको मारें, लेकिन पीछे से बोट भाई यो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इधर आओ पहले हमारी लो। दोनों आते हैं, दो और दोनों कहते हैं पहले इधर आओ फिर इधर। एक बाजी भागते हुए आ रही है, ये देखो ये बाजी आती है, क्यूट बच्ची बेचारी नॉक हो जाती है यहाँ पे, मुझे बहुत रोना आता है। मैं बस रो ही रहा होता हूँ कि इतने में इसका टीममेट मेरे को नॉक कर देगा बेटा। मैं भैंस की, तुम क्यों मेरे को क्यों नॉक किया यार, मैंने उसको फिनिश थोड़ी ना किया था। ये गुस्सा कर जाता हूँ फिर ऐसे गाड़ी लेके आता है, मैं बाल बाल बचता हूँ यहाँ से, ये देखो। और मैं स्प्रे कर रहा हूँ, स्प्रे करता हूँ, लास्ट वाली एक एमओ मेरी टच नहीं होती और टीममेट को किल मिल जाता है, टीममेट का गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। मतलब यार वैसे ही कह दो कि मुझे किल नहीं देना, मैं नहीं फायर करता, लेकिन नहीं फालतू में एमओ भी वेस्ट करवानी और किल भी मेरे को नहीं मिलना। व्हाई मैन व्हाई? और देखो लैग मेरी ऐसे होती है जैसे पता नहीं खाला जी का वाड़ा है इधर। अभी ये जो लल्लू भागता हुआ आ रहा था इधर, ये एक और टीम है जो ब्लूमस्टर में उतरी थी। अभी मुझे पता था कि यहाँ पे ये अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा है तो मैं आगे जाता हूँ, थोड़ा एंगल बनाता हूँ। ये देखो भैया रिवाइव कर चुका होता है ये, और ये वही क्यूट बच्ची होती है जिसपे मुझे रोना आता है यार। अभी पता नहीं टीम्स होती कितनी है यहाँ पे, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि तीन तो मार चुके होते हैं और अभी पीछे से दो तीन और आ रहे होते हैं। तो या तो उन्होंने टीम अप किया होता है या फिर ये अलग अलग टीम्स होती हैं जो पहले ही फाइट कर रही होती है। ये देखो ये लल्लू फिर से आता है, मतलब भाई फायर कर रहा हूँ तो फायर देना, तू लेट क्यों रहा है? लेविक में ऐसे थोड़ी ना लेटने का है बड़ू। और जब ये पीछे को जाता है तो मुझे आइडिया लगता है कि शायद इसका टीममेट जो है ना पीछे वाली साइड पे से आ रहा है, और वही बात होती है वो वहीं से फायर कर रहा होता है। तो यहाँ पे मुझे इसकी छोटी सी मुंडी नजर आएगी और वहाँ पे टिक टिक से वो नॉक हो जाएगा। ये देखो मतलब फिनिश हो गया डायरेक्टली लॉबी, बेचारे क्यूट बच्ची को बचाते बचाते खुद मार गए। अच्छा यहाँ पे ये सीन होता है, मैं यहाँ पे बोट फायर करता हूँ ताकि ना मैं बोट मार लूँ, कोई मेरा बोट किल ना ले। और भाई अरबी जो है ना वो मेरा बोट ले जाता, देखो मैं स्कोप ओपन करता हूँ साला किल चोरी आ जाता है। और ये लल्लू पूरी टीम को साथ में लेके आता है, मतलब यार एक बंदो एक आओ ना चार क्यों आते हो मेरे पे, क्यों आते हो यार, मेरा हार्ट बीट तेज हो जाता है बिड़ू। जब मुझे आइडिया होता है तो मैं थोड़ा पीछे को आता हूँ और मुझे यहाँ से एक आवाज आती है, फिर यहाँ पे ये बिड़ू पुश कर रहे हैं मेरे पे, ये अब चार के चार पुश कर रहे हैं और अलग अलग एंगल से। ये देखो अभी इसको थोड़ा सा पड़ा तो मैंने कहा यार पहले मैं इसको फिनिश करूं, क्या पता मैं मर जाऊं तो कम अज कम इनका तो कोई मरा हुआ होना चाहिए ना। वैसे अच्छा तो नहीं लगता, मतलब एक साथ धुएं निकले चारों के तो उसकी तो चस ही और है, लेकिन फिर भी यार मतलब एक एक दो इनके मर जाए ना तो वो सही है, तसल्ली होती है कि चलो मैं मारे गया हूँ तो कम से कम ये भी तो नहीं बचे ना पूरे। अभी इधर से एक और आदमी पुश कर रहा है पीछे वाली साइड से, तो मैं जल्दी से स्मोक आउट करता हूँ ताकि किसी ना किसी साइड से कवर तो हो। ये देखो ये लल्लू ऊपर लेट जाता है जब इसको पड़ती है तो। अभी जिस साइड से एक एनिमी का व्यू ब्लॉक हुआ है तो वो मेरे पे पुश करता है कि मैं पुश करता हूँ, लेकिन उसका एंगल शायद गलत होता है या जो भी होता है। अभी मुझे पता था कि ये इधर से पीक करेगा, मैंने इस वजह से नीचे वाली साइड से पीक कराई ताकि मुझे ना पड़े और उसको पड़े। यहाँ पे हमारा मास्टरमाइंड चल गया बिड़ू। इस मैच में हम उतरते हैं पिकाटो में जहाँ पे हद से ज्यादा कैंपिंग होती है, और अगर किसी ने मिरामर कोई खेलता है ना तो उसको पता होगा कितनी कैंपिंग होती है, कितने कैंपर होते हैं यहाँ पे। खैर मुझे यहाँ पे पता चलता है वॉइस से कि यहाँ पे तीन रश कर रहे हैं एक और टीम पे, तो मैं उनको थर्ड पार्टी करके तीन नॉक कर देता हूँ, चौथा जो है मेरा टीममेट मार देता है। भाई मेरा क्लच नहीं पूरा होने देता वो। यहाँ पे मुझे हियरिंग्स आ रही होती हैं कि चारों अलग अलग उतरे हैं, और मैं जैसे यहाँ पे M4 उठाता हूँ तो एक को पता चलता है कि मैं इधर हूँ और मैं इधर से पिक कराऊंगा, लेकिन मैं दूसरी साइड से कराता हूँ ताकि मैं उसको नॉक कर सकूँ। और अभी उसको रिवाइव करने के लिए उसका दूसरा बंदा जो है निकल के इसकी साइड पे जा रहा है, तो जैसे ही वो मुझे नजर आता है तो मैं उसको डैमेज करता हूँ लेकिन वो बच जाता है। अभी इनका एक और जो है वेयर हाउस में है और वो भी आएगा इसी साइड पे, लेकिन उसका मुझे पता नहीं होता कि ये भाई है कहाँ पे। तो जैसे ही मुझे नजर आता है मैं उस पर फायर करता हूँ, लेकिन ये एंगल ब्लॉक हो रहा होता है मेरा, लेकिन फिर भी हो जाता है वो नॉक, लेकिन मुश्किल से होता है बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पे समझ नहीं आती भाई, बाकी टीममेट नॉक हो रहे हैं उनको रिवाइव दे दो, लेकिन ये लल्लू जो है भागते जा रहा है, सिर्फ जो सबसे पहले नॉक हुआ है उसी को रिवाइव क्यों देना है?
या तो वो कोई बच्ची थी या फिर उसका रैंक होगा, दो ही बातें हो सकती हैं। अभी मैं इस पे पुश करने जाता हूँ लेकिन मैं जब आगे देखता हूँ तो आगे लोली होती है, तो मैं वापस आ जाता हूँ कि भाई नहीं जा सकते, मैंने खुद ही नॉक हो जाना। और ये मैं समझता हूँ कि रियल है इनका चौथा, लेकिन नहीं, ये होता बोट है। खैर क्या कह सकते हैं, बोट मार लिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे हियरिंग्स आती हैं कि दोनों जो हैं इनके बाकी टीममेट वो मुझ पे पुश कर रहे हैं, तो मैं आगे जाकर उनका ब्लॉक करता हूँ ताकि मैं उनको नॉक कर सकूँ। और ये मेरी ट्रिक काम कर जाती है कि वो जंप पे होते हैं और मैं उन दोनों को नॉक कर लेता हूँ ईजीली। और इतने में उनका फोर्थ वन जो है वो लैंड करता है, मुझे नहीं पता होता कि वो बाहर जंप कर गया है और मेरे बाकी टीममेट मर जाते हैं, मैं सर्वाइव कर जाता हूँ, मेरा 1v4 हो जाता है। इधर एनिमीज को पता होता है कि मैं यहाँ पे हूँ और वो पुश करते हैं, लेकिन वो गलती ये करते हैं कि भाई एक एक करके आ रहे हैं। यार एक एक करके क्यों आते हो, चारों आ जाओ ना, हार्ट अटैक आएगा मुझे तो तभी तो मार पाओगे, एक एक करके कैसे मार पाएगा बिड़ू। अभी इनका एक लल्लू जो है ना वो उधर पीछे शील्ड लगा के बैठा है भाई। अरे क्यों शील्ड लगा के क्यों बैठा है, आगे आ जा, डर रहे हैं मुझसे क्या। लेकिन मैं भी खैर उसको नहीं मार रहा था, मैं कहता हूँ भाई जो नॉक किया ना पहले वो फिनिश करने का, क्योंकि मैं मर गया तो फिर वो भी नहीं रहने चाहिए। इधर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि भाई दो बंदे रहते हैं अब है पता नहीं कहाँ कहाँ पे। और इतने में जो वो लल्लू है वो उधर से निकल आता है, मुझे आवाज़ आती, मैं कहता हूँ शायद दोनों आ रहे हो, मैं देखता हूँ टीपीपी लेता हूँ। और यहाँ पे मुझसे गलती ये होती है कि मैंने ऐसे नेड कुक किया होता है, वो बिल्कुल क्लियर एंगल था यहाँ पे, मैं उसको यहाँ पे नॉक कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ नेड। तो वो लल्लू उधर से निकल के बाहर ट्री के पास आ जाता है, मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे आ गया। अभी ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डैमेज देता है लेकिन मुझे मिलता नहीं है और वो फिर भागने लग पड़ता है, तो मुझे चांस अच्छा मिल जाता है, मैं उसको नॉक कर देता हूँ। लेकिन भाई जो इनका चौथा बंदा है ना, ऐसा ऐसा प्रो कैंपर है ना भाई कि नजर नहीं आता बिल्कुल। फिर मैं गाड़ी लेके घूमता हूँ कि जहाँ पे भी है ना फायर देगा और मेरा प्लान कामयाब हो जाता है भाई। और ये वही करता है जैसा मैंने वो किया होता है, वो मतलब क्या कहते हैं यार, वो होप की होती है जैसे। तो मैं यहाँ पे आ रहा होता हूँ, मुझे बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पे, लेकिन मेरे साथ ग्लिच के साथ मैं शुक्र है मैं बच जाता हूँ और मुझे उसकी मुंडी नजर आती है तो मैं उसको मार देता हूँ ईजीली। यहाँ पे एक लल्लू भागते हुए आ रहा होता है, बड़ा प्यारा, मैं उसको देखता हूँ कि कहाँ पे है, आवाज़ तो आ रही है लेकिन है किधर भाई। लेकिन जैसे ही नजर आता है तो मैं उसको मारता हूँ। अभी ये अरबी होता है बेचारा मर जाता है और पीछे से और आ जाता है एक स्क्वाड। अभी इनका एक और टीममेट होगा, एक इसके पास रिवाइव करने जाएगा और एक को पीछे से कोई M24 से मार देता है। यार क्यों मार देते हो यार, मैं उसको मारने जो आ रहा था, तुमने जरूर मारना था, M24 अपनी जरूर दिखानी थी अफगानी भैयो। मुझे आइडिया होता है कि वो यहाँ पे इसको रिवाइव कर रहा होगा, तो मैं जंप करके इन दोनों को नॉक कर देता हूँ। और आगे जाकर देखता हूँ कि जो इधर के एनिमीज थे जिसने M24 से फायर किया, और या इनका जो फोर्थ वन रिमेनिंग है वो किधर है, वो क्या पता नजर आ जाए, वो क्या पता इसी साइड पे हो, लेकिन नहीं वो दूसरी साइड पे होता है, मुझे फायर आता है। अभी यहाँ पे भागते हुए आ रहा है पर नजर नहीं आ रहा होता मुझे, अचानक से नजर आता है बेचारा भागते हुए, ऐसे भागता आ रहा था जैसे इसके पीछे कुछ पड़ा हुआ है, बेचारे को जोन ही नहीं पहुंचने दिया मैंने। यहाँ पे मैं थोड़ा हॉट ड्रॉप लेता हूँ कि क्या पता भाई अपनी भी किस्मत खुल जाए, हमारी भी चमक जाए और हम भी कुछ बंदे मार लें यहाँ पे, लेकिन चांसेस तो कम ही है ना, मतलब क्या हो सकता है यार, हमारी गेम प्ले कभी सही नहीं होता। यहाँ पे मुझे हियरिंग्स आते हैं कि एक कोई ऊपर से टप टप करके पायल पहन के आ रहा है, ये छमिया भागती हुई आ रही होती है इधर की, मैं यहाँ पे उतरूँ और मेरे को मारने आएगा ये बिड़ू। और इस छमिया का दूसरा छम्मा जो है ना वो दूसरी साइड से आता है और इसको कवर देने ताकि मैं उसको ना मारूं, फिनिश करूं। ये देखो ये लल्लू आते हैं और फिर खुद भाग जाता है, ऐसे दुम दबा के भागा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैं जब इसको पुश करने जाता हूँ कि देखता हूँ ये रिवाइव हो रहा होगा, लेकिन ये इधर बेचारा अभी तक रिवाइव नहीं हुआ होता, पर जो पहले वाला नॉक किया था वो लल्लू रिवाइव हो चुका है। और वो दोनों छम्मे जो है ना मेरे पे पुश करते हैं और आराम से पुश करो ना यार, क्यों मेरी धड़कन तेज होती है जब मेरे पे पुश हो रहा होता है, मैं कन्फ्यूज हो रहा होता हूँ। तो एक लल्लू लोकेशन चेंज करते, मैं उसको थोड़ा ट्राई करता हूँ कि मैं उसको नॉक कर लूँ, लेकिन उसको दूसरा कवर दे रहा होता है। यार क्यों आगे क्यों नहीं आते। हाँ भाई तू दे ले पीक, देखो पीक का बहुत शौक है ना, तू दे ले, अब हो गई तेरी तसल्ली, हो गया ना नॉक, अब करना पीक, अब उड़ता नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्मोक फेंकता हूँ ताकि वो उसको रिवाइव करने जाए, मैं उसको लिए खुद रास्ता बनाता हूँ ताकि वो जाए और मैं स्प्रे करूँ। लेकिन जब मैं कवर में आता हूँ मुझे तब पता चलता है कि ये भैया जो है ये जा रहा है। यार मैंने अपनी गलती कर दी, मतलब खुद ही स्मोक फेंक के खुद ही उसके लिए रास्ता बना दिया, ऐसा भी कोई मिलेगा आपको। यहाँ पे आवाज़ आ जाती है मुझे कि वो इस साइड आया, लेकिन एग्जैक्ट कन्फर्म नहीं पता होता कि वो किधर आए, तो मैं जंप करके मार देता हूँ। और आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।